kids. How are you? All doing great? Okay, children. So, today I am back with another part of your class 8 English book. Okay. And today we are not going to study a chapter. We have done a number of chapters. So, today let's do something different. आज कई दिनों के बाद हम एक कविता पढ़ेंगे. We will do a poetry. Okay. Now, children, as you see, this is your lesson number 15 and it's a beautiful poetry and the title of the poem says, Give her five, let her be alive. ठीक है. So, children, before we begin with the poetry, let's have a quick warm-up session. Children, in India especially, do you feel, have you seen gender biasness? कभी देखा है भेदभाव लड़के और लड़की में? है ना, कभी आपने सुना है कि क्या होता है कि जो आपके मामा पापा हैं या आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना है, ये काम तो सिर्फ लड़के ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लड़की हो ये मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, है ना, बहुत रोक टोक होती है. कई जगहों पे लड़कियों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जैसे कि लड़कों को मिलती हैं. सो इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट a program which was launched by the government of India in which they have asked us to stop female feticide. ठीक है, कई बार जो है लड़कियों को हम बोझ समझते हैं, मतलब there are people, not everybody but many, सब नहीं लेकिन कई लोग जो हैं लड़कियों को बोझ समझते हैं कि वह लड़की हो गई, लड़की होगी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारा शादी करनी पड़ेगी, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, लड़का नहीं होगा तो लड़की का क्या करेंगे, लड़की किसी काम की नहीं है. लेकिन ये जो सोच है, ये जो मान्यताएं हैं, ये कम्प्लीटली गलत हैं. लड़कियां भी उतना ही नाम रोशन करती हैं जितना कि लड़के करते हैं और हमें कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएट्री एंड एज वी रीड ऑन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी स्टैंजा ऑफ द पोएट्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड दिस पोएम एंड नो अबाउट द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे started by the government of India. See, India में female feticide बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ओके, इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब लोग लड़कियाँ होते ही परेशान हो जाते थे या रोने लगते थे या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार डालते थे. ठीक है, सो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही उनकी हत्या कर देना, उनको पैदा ही ना होने देना, यानी दे वर नॉट अलाउड टू इवन टेक बर्थ. सो दिस इज़ कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड, यानी फीटस को मदर के वूम में ही मार देना, दैट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी विच वॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इन अ वेरी लार्ज नंबर. एंड टू स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे स्टार्ट किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि गर्ल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द बॉयज़. गर्ल्स भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही अच्छी हैं जितने के बॉयज़ हैं. और अगर गर्ल्स को प्रॉपरली हम गाइडेंस दें, अगर हम प्रॉपरली उनकी देखभाल करें, उनको शिक्षित करें, सो ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती. ठीक है, सो लेट्स रीड. द गर्ल चाइल्ड ब्राइटन्स द होम yet the parents ignorant go for female feticide. So the poet says कि एक girl child जो है घर को रोशनी और खुशियों से भर देती है. ठीक है, चहल पहल से भर देती है, खुशियाँ ले आती हैं. यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि लड़कियाँ जो है लक्ष्मी का रूप है, उनका आना is auspicious. But still जो parents हैं, yet the parents ignorant go for female feticide. फिर भी जो पेरेंट्स हैं वो लोग जो है इनकी हत्या कर देते हैं, इनको गर्भ में ही मार देते हैं, इन्हें अबॉर्ट कर देते हैं.
The doctors endanger two female lives. The female mom kills the female child. So the doctor, what does it do? It also is no having no option. It also at times agrees and performs the surgery. And then it what happens? The mother female. है ना मम्मी भी जो मम्मी हैं जो मदर है वो भी तो एक फीमेल है तो एक फीमेल जो है दूसरी फीमेल की हत्या कर देती है यानी कि वन फीमेल इन द फॉर्म ऑफ मदर इज किलिंग अनदर फीमेल इन द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड राइट तो माँ जो है अपनी बेटी की अजन्मी बेटी की पहले ही गर्भ में ही हत्या कर देती है Save the girl child, make her bold and not mild. ठीक है हमें क्या करना है हमें girl child को बचाना है और उनको क्या करना है strong बनाना है bold means strong और mild here means कमज़ोर हमें उन्हें कमज़ोर नहीं बनाना है उल्टा क्या करना है उन्हें bold बनाना है She has the power to surge, she means celebrations, not dirge. So what does the poet says? कि उसमें हर एक सिचुएशन से लड़ने की और सर्वाइव करने की ताकत है और हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है हमें उसको बर्डन की तरह नहीं देखना चाहिए हमें उसको सेलिब्रेशन की तरह देखना चाहिए एक उत्सव की तरह उसकी लाइफ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए अ गर्ल चाइल्ड ब्रिंग्स जॉय She is no less than your boy. So the poet says कि एक girl child भी उतनी ही खुशियाँ लेके आती है परिवार में जितना एक लड़का तो वो जो girl child आ रही है वो छोटी बच्ची पैदा हो रही है वो आपके लड़के से या आपके बेटे से किसी भी रूप में कम नहीं है ठीक है Her every step takes the family forward. Don't try your strength on her like a coward. So coward means कायर ठीक है कावर्ड मीन्स कायर तो जो पोएट है वो क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि कभी भी जो पेरेंट्स हैं उनको इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि लड़की हो गई है तो अब तो परेशानी है ये तो हमारे ऊपर बोझ है हमारा वंश कैसे बढ़ेगा लड़कियां भी पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकती हैं वो भी फैमिलीज़ को आगे बढ़ सकती हैं लोग पीढ़ियों तक एक लड़की के द्वारा भी किसी को याद रख सकते हैं ठीक है और जो पेरेंट्स हैं उनको बोल रहे हैं कि अपना जो स्ट्रेंथ है अपना जो बल है वो उन मासूम अजन्मी लड़कियों पर मत निकालो है ना कायरों की तरह बिहेवियर मत करो इफ़ यू आर रियली अ गुड पर्सन देन नेवर मिसट्रीट अ गर्ल There is a joy, there is a mirth with innocent girls on the earth. So the poet says ki the innocent girls have such an pure heart and innocence in them that it is always lovely to have them around you. जब भी छोटी छोटी बच्चियाँ आपके आस पास रहती हैं उनकी बातों से उनकी हरकतों से उनके व्यवहार से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ही आती है ठीक है Each, let each girl bloom, bring happiness and gift the gloom. तो lift the gloom means कि दुख को हटा लेना बेटा Lift the gloom means दुख को हटा लेना तो वो क्या बोल रहे हैं कि let each girl child bloom. हर एक girl child को खिलने का progress करने का आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए Girl child है सोच के ही हमें उसको मार नहीं देना चाहिए बल्कि उसे बड़ा होने देना चाहिए उसको भी सारी वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जो हम बॉयज़ को देते हैं एंड हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारी परेशानी का कारण बनेगी उसको भी खुश रहने का अधिकार है तो हमें उसको खुश रखना चाहिए उसके दुख को ले लेना चाहिए ठीक है My daughter is my pride, she can fly, she can glide. So the poet says कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारी जो बेटी यहाँ है वो हमारा क्या है गर्व है ठीक है वो हमारे परिवार का गर्व है और हमें उनको इस तरह से बड़ा करना चाहिए कि वो हमारा सर फख्र से ऊँचा कर दे वो फ्लाई भी कर सकती हैं और वो हमारा नाम भी रोशन कर सकती हैं She can discover, invent and create, love and respect her, don't berate.
तो क्या बोल रहे हैं कि शी कैन डिस्कवर, दैट मीन्स शी कैन बी अ साइंटिस्ट ऑल्सो, शी कैन इन्वेंट, इनोवेशंस कर सकती है, एंड शी कैन क्रिएट मदर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, बी इट इन एनी फॉर्म. गर्ल्स आर ऑलवेज क्रिएटर्स, है ना. हम बोलते हैं ना, जो नारी है वो शक्ति का रूप है, वो जननी का रूप है, तो वो ही जिंदगी का संचार कर रही हैं, राइट. वो जिंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत और विकसित बनाती हैं. सो शी कैन बी एनीथिंग, अगर उसको सही शिक्षा और सही गाइडेंस मिलेगा, सो देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट अचीव. सो वी हैव टू जस्ट गिव हर द सुइटेबल सर्कमस्टांसेस टू ग्रो प्रॉपरली सो दैट शी कैन परस्यू हर ड्रीम्स. लव एंड रेस्पेक्ट हर, उसको प्यार और सम्मान दो, ना कि उसका तिरस्कार करो. ठीक है, उसको ठुकराओ मत, उसको तिरस्कार मत करो. ठीक है. सो चिल्ड्रन, अ ब्यूटिफुल मीनिंगफुल पोएट्री इन वेरी सिंपल वर्ड्स बट अ वेरी डीप मीनिंग. हमें कभी भी अपने घर में या अपने आसपास किसी भी लड़की का असम्मान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए. इन जनरल ऑल्सो वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी ह्यूमन बींग, एनी एनिमल, एनी क्रिएचर, बट देन स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स के साथ काफ़ी जेंडर बायसनेस होता है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव टू सेव द गर्ल चाइल्ड, दैट इज़ वाई वी शुड ऑल्सो टेक द नेसेसरी स्टेप्स. हमें भी लड़कियों के खिलाफ होते हुए अत्याचार के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठा देनी चाहिए. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएट्री क्वाइट वेल. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. So first we have to take the correct option. Let's do it. The girl child brightens the home, village, forest, none of these. तो लड़की के आने से क्या होता है, घर जो है वो रोशन हो जाता है, खुशहाल हो जाता है. So the right option is option number A, that is home. Okay. Now next one, second. Yet the parents go for dash PT side. Male, female, both or none. So here the second option is correct. Female feticide. The parents usually kill the child, unborn child, inside the mother's womb. बताया था ना कि गर्भ के अंदर ही अजन्मे बच्चे की हत्या कर देते हैं. ठीक है. Third, a girl child brings sadness, rudeness, joys or sorrows. जो girl child है वो अपने साथ क्या लेके आती है, खुशियाँ लेके आती है ना, joy लेके आती है. So the right answer is joy, option number C. Fourth, my daughter is my pride, she can fly, glide, love, respect, discover, create, all of these. तो मेरी daughter मेरा क्यों गौरव है, क्योंकि वो बहुत सारे काम करती है. वो fly भी करती है, glide भी करती है, discover भी करती है, create भी करती है, प्यार भी करती है, respect भी करती है. तो that is why she does everything, वो सब कुछ करती है. ठीक है. Now children, here वी कैन हैव टू perceptions. दो तरह से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. एक तो हो सकता है ऑल ऑफ दीज, ये दोनों ऑप्शंस ही करेक्ट हैं. ठीक है, क्यों करेक्ट है अब आप समझ लीजिए. अगर हम पंक्तियों को पूरा करें, यानी पोएम के लाइन्स के हिसाब से चलें, तो फिर माई डॉटर इज़ माई प्राइड, शी कैन फ्लाई एंड शी कैन ग्लाइड. ठीक है, ये राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से, सेंटेंसेस के हिसाब से ठीक ऑप्शन है. लेकिन अगर हम इन अ ब्राइट वाइडर टर्म में सोचें, अगर हम थोड़ा ज़्यादा खुल के सोचें, तो ये सारे ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं ठीक बैठते हैं. क्योंकि डॉटर जो है वो फ्लाई भी कर सकती है, वो ग्लाइड भी कर सकती है, वो डिस्कवर भी कर सकती है, वो क्रिएट भी कर सकती है, और डॉटर जो है लव भी देती है, वो प्रेम भी करती है, रेस्पेक्ट भी देती है. सो दैट इज़ वाई समवेयर ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस आंसर. ठीक है, A is also correct and D is also appropriate. Okay, only thing is that the thought process or the viewpoint is different while answering. Okay, so with this we finish with tick the correct option. Exercise B says complete the stanzas of the poem. So there are two different stanzas given. First one says save the girl child, make her bold and not mild. सो इन दिस वे यू हैव टू रिकॉल द लाइन्स ऑफ द पोएम. आपको पोएट्री की जो लाइन्स हैं वो याद करनी पड़ेंगी. अगर बाई चांस कुछ याद नहीं आता है, सो यू कैन फ्लिप बैक द पेजेस. आप पेजेस मोड़ के देखो, आपको याद आ जाएंगी एंड यू कैन नोट डाउन एंड कम्प्लीट द लाइन्स.
ओके सो दिस इज समथिंग यू विल बी डूइंग ऑन योर ओन, आप खुद करेंगे इसको, ठीक, एंड यू विल टेक द हेल्प ऑफ द बुक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स. सो विद दिस वी आर डन विद अनदर सेशन वेयर वी हैव स्टडीड अ ब्यूटिफुल पोएट्री. पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से जो है फीमेल फीटिसाइड की प्रॉब्लम को सबके सामने रखा है, और साथ ही में सबसे रिक्वेस्ट की है, सबको बोला है कि जो लड़कियां हैं वो किसी से कभी कम नहीं हैं, वो लड़कों से किसी भी रूप में कम नहीं हैं, हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, एंड स्पेशली वी शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड. हमें उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए बल्कि उनको सही दिशा दिखानी चाहिए, उनको खुशियों की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए घर में, ताकि वो भी आगे बढ़ के हमारा नाम रोशन कर सकें. सो चिल्ड्रन विद दिस वी फिनिश विद टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड द सेशन, यू हैव अंडरस्टूड द पोएम क्वाइट वेल. सो अगेन वेरी सून आई वुड बी बैक विद सम न्यू चैप्टर्स, न्यू टॉपिक्स एंड इंटरेस्टिंग लेसन्स. सो बाय बाय एंड टेक केयर. Stay tuned for the upcoming video. Okay? Bye-bye.